ये ना एनर्जी आ गई, 20 रुपीज़ की, महंगी भी नहीं है। और चिप्स का पैकेट मिल गया साथ में, उसमें कुछ खाते हैं हम लोग, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, फिर हम अंदर म्यूजियम में जाते हैं आपको लेके। हेलो डॉगी, हेलो डॉगी, कैसे खा रहा है बच्चा, एंजॉय कर रहा है बच्चा? तो कैसे खा रहा था ऐसे देखा? पूरे मुंह में उसकी लगी पड़ी है आइसक्रीम। टॉय ट्रेन एंजॉय करने के बाद अब चलते हैं म्यूजियम आप लोगों को लेके। वंदे भारत एक्सप्रेस, अदर म्यूजियम्स और कहाँ कहाँ हैं? एक्सक्यूज मी, ये इसका मतलब क्या हुआ? रेलवे मैप्स ऑफ इंडिया का मतलब, जहाँ जहाँ के ट्रेन हैं पूरे इंडिया में? ये रेल म्यूजियम है, जितने भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया कहाँ कहाँ पे हैं वो है ये। अच्छा अच्छा, थैंक यू। रेड वाला दिल्ली का मतलब कौन सा? अच्छा ये, ओके ओके, ये दिल्ली है। और ग्रीन और येलो क्या है? ग्रीन रेड दिल्ली वाला मैसूर कर्नाटक का, तमिलनाडु कोलकाता। बाप रे, इतनी जगह रेल म्यूजियम्स हैं, 58 रेल म्यूजियम्स। टाइम में पता नहीं थी, यहाँ के पता लग रही है। फर्स्ट स्टीम इंजन, पहला भाप का इंजन। अर्ली ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, प्राचीन भारत के परिवहन साधन क्या होते थे? हाथियों के ऊपर रख के एनिमल्स यूज करते थे ना। बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन वॉज प्राइमरली बाय फुट या पालकीज या वो हॉर्स कार्ट्स या हॉर्स वगैरह भी यूज़ करते थे ना। वाओ, मॉडल बना हुआ है ना, एक लोग जा रहे हैं अंदर। मतलब ये पुराने ज़माने का है, कैसे लेके जाते थे सामान, देखा जब ट्रेन नहीं होती थी, एनिमल्स को यूज़ करके लेके जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होता था। ईस्ट इंडियन रेलवे डबल डेकर थर्ड क्लास, ओके। रॉकेट स्टीम लोको, देख लोग कैसे जाते थे, देखा कभी हाथी पे बैठ के? इंसेप्शन ऑफ इंडिया रेलवेज, कैसे हुआ था? द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रेलवेज इन 1947 has its roots in several private rail companies that operated in the Indian subcontinent. Royal family of Jodhpur, शाही परिवार, जोधपुर के शाही परिवार की ओर से भारतीय रेल मंत्री को स्मृति चिन्ह। देश को रेल बनाने दो, रेल देश को बनाएगा। क्या था सिमी कोट इंडिया मूवमेंट, बताओ? गांधी जी का, गांधी जी चलाया था ना क्विट मूवमेंट। सी दिस इज द फेरी शिप, द एंकर ऑफ इट। देखो प्लेन का भरा हुआ है, ट्रैक चेंज करने के लिए। देखा इसको करके ट्रैक चेंज हो रहा है ना, हो रहा है ट्रेन चेंज, देखा ट्रैक कैसे चेंज होता है। चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना हुआ, देखा। कितना बड़ा ब्रिज है पता है, सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज। सिग्नल्स का क्या मतलब होता है? ये तो यहाँ बनी हुई है लाइट्स। ये क्या है? आयरन चेस्ट फॉर कीपिंग कैश। अच्छा, बोलने तक कैश रखने के लिए।
हॉस्पिटल ट्रेन रन बाय द इम्पैक्ट इंडियन फाउंडेशन। लेकिन लाइफ लाइन एक्सप्रेस है और एक प्यारा डॉगी। कैफेटेरिया यहाँ से जाएंगे? ये आपके पीछे पीछे क्यों आ रहा है डॉगी? खिलाते रहते हो आप? अब हम जा रहे हैं अंदर कुछ खाने के लिए कैफेटेरिया, रेलवेज कैफेटेरिया, वहाँ पर देखते हैं हमें खाने को क्या मिलता है। वैसे हम कुछ कुछ लाए भी हैं घर से खाने के लिए। कृपया एग्जिबिट पर ना चढ़ें, जुर्माना 500। ओ बाप रे, कैफेटेरिया में ट्रैक्स बने हुए थे तो जो खाना है वो ट्रैक्स पे सर्व होता है, बट आई थिंक मुझे लग रहा है अभी वो चल नहीं रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी नहीं चल रहा होगा। एक्चुअली हम लोग अपना होम फूड कैरी कर रहे हैं और वहाँ पे लिखा हुआ था कि होम फूड इज़ नॉट अलाउड, तो फिर वाई टू वेस्ट यू नो, हम लेके भी आए हैं। तो हम यहाँ पिकनिक मनाते हैं, हम कहीं बैठते हैं आराम से खाते हैं। तो कबीर को आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल मोमेंट उसकी बंद हो गई, उसको घन बवाल खाना था तो वैसे नहीं खिलाने का। कैफेटेरिया में लोग डोसा वोसा चाउमिन सब कुछ खाते हैं, बट ये सब खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो आई थॉट कि हेल्दी हेल्दी ही खाते हैं। सही है ना मेरे फ्रेंड्स, है ना, हेल्दी हेल्दी खाएंगे। हम सोच जाते हुए टूटी फूटी जो ट्रेन है उसका एक बार वीडियो ले लेते हैं। जयपुर स्टेट, सच में जयपुर की मतलब ट्रेन हो गई है, तो जिसका ऐसा हाल हो गया होगा है ना, जली हुई है तो हाँ देख लग नहीं जली हुई है, ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। कैसे एक्सीडेंट होता है ना, माय गॉड, एक ट्रेन देखा कैसे टूट जाती है पूरी, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कैसे ऐसे हो गए तो वो होगा। हम जा रहे हैं और बच्चे भी और आ रहे हैं, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं और बच्चे भी यहाँ पे और आ रहे हैं। बाहर भेलपुरी वाला खड़ा हुआ है, गुलफे वाला खड़ा हुआ है, टॉयज वाली है आंटी, मोट कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, मोमोज, अमूल आइसक्रीम। राइट हो गया, वापस जा रहे हैं, हमें ऑटो नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान हुए थे, फाइनली हमें कराची मिले। तो हमें ऑटो मिल नहीं रहा था, बहुत दिक्कत होती है, ऐसा क्यों, कोई आने को तैयार नहीं था और जो जा रहे थे बहुत पैसे मांग रहे थे उस साइड में नहीं होते। अच्छा क्यों, मतलब आते नहीं इस तरफ, ऑटो होते ही नहीं वहाँ पे? नहीं होते हैं, बाकी आज सैटरडे संडे को बहुत कम होते हैं। कम होते हैं, हम लोग एम्बेसी एरिया है ना, वो सारा एम्बेसी एरिया। हम लोग रेल म्यूजियम आए थे, वहाँ एरिया है ना, वो उस एरिया में सैटरडे संडे को बहुत कम होते हैं, बाकी दिन एम्बेसी खुली होती है। अच्छा सैटरडे बंद होती है इसलिए, इसलिए ऑटो बहुत कम। और वैसे वैसे मिलते हैं काफी ऑटो? अच्छा फाइनली हमें आप मिल गए, आपने हमें ले आए आराम से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ कितने हो तुम? तिलक नगर। तिलक नगर के, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।